नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। खातेगांव विजयदशमी पर नगर परिषद द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर के दशहरा मैदान में हजारों लोगों की उपस्थिति में नगर के पटेल गोविंद यादव ने रावण का दहन किया। नगर परिषद ने 21 फीट ऊंचे रावण का निर्माण किया, जिसे देखने के लिए नगर वासियों के साथ साथ दूर दराज से क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। रावण दहन से पहले आतिशबाजी की गई, इसके बाद रावण दहन किया गया। आचार संहिता के चलते कोई भी जनप्रतिनिधि और नेता मंच पर नहीं था। इस कार्यक्रम में SDM काशीराम बड़बोले, तहसीलदार निधि चौकसे, TI सज्जन सिंह, मुकाती CMO आनंदी लाल वर्मा व BMO डॉक्टर बघेल के साथ सभी समाज के प्रमुख जन उपस्थित थे। रावण दहन के बाद लोगों ने दशहरा मैदान पर लगी दुकानों पर खाने पीने और खेल खिलौने की दुकानों से जोरदार खरीदी की। मुख्य रूप से रंगारंग आतिशबाजी का लुत्फ उपस्थित जनता ने लगभग 1.5 घंटे तक उठाया। प्रदेश में आचार संहिता लागू है, इस हिसाब से जो जिस गरिमा से कार्यक्रम होना चाहिए था, CMO को निर्देश दिया था कि उसी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम कराएं, और वास्तव में उसी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से और नगर से काफ़ी सारे लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और शांतिपूर्ण जो रावण दहन का कार्यक्रम है संपन्न हुआ है। इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग और सारे विभिन्न जो समुदाय के लोग उपस्थित हुए हैं, और इसी उसमें सारे लोगों को खातेगांव के ग्रामीण शहरी लोगों को मेरी ओर से दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि परंपरागत जो नगर परिषद जब से करती आई है इसको त्यौहार को, ये रावण जो विजयदशमी के कार्यक्रम रखती है, तो आचार संहिता के होने के बावजूद भी अपन जो नगर के जो साल भर इस कार्यक्रम के लिए उम्मीद लगाए रखते हैं नागरिक को, उसके निराशा नहीं हो, इसलिए आचार संहिता के बावजूद भी अपन ने प्रशासनिक तौर से ये कार्यक्रम रखा गया है। तो बाकी नागरिकों और जो दूर दूर से आते हैं उनको निराशा नहीं हो कि ये विजयदशमी का जो त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो उसी तरह मनाया जाए और नागरिकों को मतलब देखने का प्रसन्नता रहे, कार्यक्रम देखने की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रही है। चाक चौबंद रही, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिला है, नगरपालिका की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम जिस तरह प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो व्यवस्था की जाती है, उसी तरह की गई है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव नगर परिषद द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। आदर्श आचार संहिता के कारण मंच पर पूर्ण रूप से हमने किसी भी जनप्रतिनिधियों को ना तो हम आए हैं ना आने दिया है, क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से नगर परिषद का रहता है। हमारे 15 ही पार्षदगण हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर इस कार्यक्रम की तैयारियों में पिछले 15 दिन से झुके हुए थे, और आप देख रहे हैं कि एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। और आचार संहिता के कारण हमने ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक व्यक्ति को बूथ पे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से कोई पार्षद या अध्यक्ष, ना ही कोई अन्य जनप्रतिनिधि को हमने बुलाया है। और नगर परिषद की ओर से, समस्त पार्षदों की ओर से, मैं समस्त नागरिकों को, खातेगांव के जो नागरिक हैं उन्हें विजयदशमी पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।